हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और आज हमें इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 4% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, 4% की तेज़ी के साथ स्टॉक जो है क्लोज हो चुका है 1044 रुपये पर। आप देखोगे मार्केट क्रैश का इस स्टॉक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल को लेकर। कल इसके अंदर हमें जो है 50% की गिरावट देखने को मिलेगी, मैंने थंबनेल पर भी लिखा है। तो ये 50% की गिरावट क्यों देखने को मिलेगी, इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। आप देखो मार्केट क्रैश का इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर मैं बात करूँ 5 दिन के रिटर्न की, तो वहाँ पर हमें जो है अप्रोक्सीमेट 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ की मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 13% की गिरावट, और 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको 53% की बहुत हैवी गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 1 ईयर की, तो वहाँ पर हमें जो ना 30% की, जी हाँ 30% की गिरावट। आप देखोगे इसने 52 वीक हाई लगाया था, कितना, 3300 रुपये। जी हाँ, 3300 रुपये इसका 52 वीक हाई रहा है। 11 अक्टूबर को इसने 52 वीक हाई लगाया है, और वहाँ से जो इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है वो आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 70%। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट 70% के डिस्काउंट पर स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। तो यहाँ से एक अच्छा मौका होगा इस स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम के अंदर हमें जो है इसके अंदर 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो आप देखोगे 1670 रुपये। जी हाँ, 1670 रुपये। 1 अप्रैल को कंपनी लिस्ट हुई, उस समय इसका प्राइस 1670 रुपये था। तो वहाँ से आप देखोगे इसने थोड़ा ज़बरदस्त रिटर्न निकाल कर दिया, और स्टॉक कहाँ तक हमें जाते देखने को मिला 3350 रुपये तक। और वहाँ से आप देखोगे 3350 से हमें जो है इसके अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। मार्केट क्रैश के कारण स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान हमें देखने को मिला है। आप देखोगे पिछले महीने बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश आया था, और पिछले वीक भी आप देख सकते हो मार्केट के अंदर जो क्रैश आया है इसी कारण हमें स्टॉक के अंदर इतनी हैवी गिरावट देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, कल हमें इसके अंदर 50% की, जी हाँ कल हमें ये स्टॉक जो है 50% एकदम से टूटे नज़र आएगा। तो 50% की गिरावट क्यों होगी, क्योंकि कंपनी कल 1:1 में बोनस देने वाली है। जी हाँ, 1:1 में बोनस, इसे हम गिरावट नहीं कह सकते, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट होगा। क्योंकि अब आप देखोगे इसका जो शेयर प्राइस है ना, आपको 1044 रुपये में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कल यही स्टॉक हमें सिर्फ और सिर्फ 522 रुपये में मिलेगा। जी हाँ, 522 का। तो इसी कारण हमें ये 50% की गिरावट देखने को मिलेगी, इसे हम गिरावट नहीं कह सकते, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है। अगर आपके पास इसके पहले से ही 10 शेयर आपने बाय करके रखे हैं, तो वे 10 शेयर आपके 20 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, 1 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर अतिरिक्त मिलेगा बोनस के रूप में। इसी कारण ये 50% की गिरावट होगी। इस गिरावट को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर मैं बात करूँ ये बोनस के ये शेयर आपके अकाउंट में कब तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे, तो इन बोनस के गए शेयरों को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लगेगा ना, वो 2 से 3 वीक का लगेगा। तो 2 से 3 वीक में आपके अकाउंट में जो ये बोनस किए गए शेयर हैं क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इन सब को लेकर भी आपको जो है ना पैनिक नहीं होना है। अगर मैं बात करूँ बोनस के बाद इसके टारगेट की, तो बोनस के बाद इसका जो शेयर प्राइस होगा वो 522 रुपये होगा। तो 522 से हमारा जो 1 से 2 महीने का टारगेट रहेगा, जी हाँ 1 से 2 महीने में ये स्टॉक हमें जो है ना 800 रुपये को ब्रेकआउट करते नजर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ 1 से 2 साल की, तो 1 से 2 साल में ये स्टॉक हमें जो है ना 1000 रुपये को भी ब्रेकआउट करते नजर आ सकते हैं। जी हाँ, 1000 रुपये को भी ब्रेकआउट करते नजर आएंगे। तो आपको इस स्टॉक के साथ सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए बने रहना है, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल पर वीडियो चाहिए, तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताना, उस पर भी मैं जो ना कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।